हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस प्रोडक्ट रिव्यू के साथ मैं हाजिर हूँ संदीप, इस वीडियो लेकर आपके सामने। सो ये प्रोडक्ट है लिबर्टी वॉरियर शू। अभी मैं इस शू का मैं आपको डिसएडवांटेज और क्या खराबी है मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा। अभी अगर आप ये शू खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो एक बार देख ले, देखने के बाद ही आप खरीदने में चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल शू है, शूज है। आप जानते हैं, आप में कई लोग जानते हैं इंडस्ट्रियल शू है। इंडस्ट्रियल शू होता क्या है, इधर में जो फॉन्ट है ये टो है, टो में एकदम हार्ड है, क्योंकि इधर में आयरन का एक कप रहता है, ऐसे तरह आयरन का कप रहता है। और इसका जो सोल है, ये सोल बहुत ही गुड क्वालिटी है, और जो इसका जो लेदर है, लेदर बहुत ही अच्छा क्वालिटी है। और ये इंडस्ट्रियल शूज ऑल वेदर प्रोटेक्शन है, यानी आप ये स्नो में, रेन में और हाई टेम्परेचर में पहन पाएंगे। और इस सोल का एडवांटेज और खासियत है, ये आप ऑयल प्रोटेक्शन है और कुछ केमिकल्स प्रोटेक्शन है और हाई वोल्टेज ये प्रोटेक्शन करता है। लेकिन मैंने ये फोर्थ टाइम से मैंने ये खरीदा और बहुत ही कम समय चलता है, और ये मेरा लास्ट वीडियो है इस लिबर्टी वॉरियर का। मैं आप देख पा रहे इसके नीचे जो सोल है, ये देखिए कैसे खराब है, और इस सोल एकदम अच्छा है। देखिए ये सोल, इसका ये टाइम है अराउंड 1 ईयर्स, क्योंकि मैंने 2018 में ये परचेस किया और अभी 2019 दिसंबर है। मैंने 2018 में नवंबर में ये परचेस किया 1600, पहले इसका दाम था 1300, उसके बाद ये 1600 हो गया। ये लेदर ऊपर का जो हिस्सा है ये तो अच्छा ही है, कुछ भी खराब नहीं है। देखिए इसका जो सोल है, ये अभी जो नए जो वर्शन है इसमें ये ब्लू कलर का एक कवर दिया हुआ है, उसका अंदर पे भी बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका जो सील है, मिडिल का जो सील है वो अभी तक है, तो ये 3-4 साल नहीं है। और मैं इस शू को ज़्यादा यूज़ नहीं किया, यानी रफ यूज़ नहीं किया, और मैं इंडस्ट्री में वर्क नहीं करता, मैं ऐसे ही खरीदा ये शू। ये इंडस्ट्रियल वर्क के लिए है, लेकिन मैं इसका जो टो है बहुत ही अच्छा है, लेदर अच्छा है, इसलिए मैं ये कंपनी का शू मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ये मिलिट्री टाइप का इशू, लेकिन इसमें बहुत ही खराब है वो है इसका जो सोल है, ये जो सोल है पीयू सोल कहते हैं, इस सोल को पीयू सोल कहते हैं। पीयू सोल का एडवांटेज ये है, ये एंटी स्किट है, स्किट नहीं करता, स्लिप नहीं करता, और ये बहुत कम चलता है। मैंने कुछ स्टडी किया पीयू सोल क्या है, पीयू सोल इसको ही कहते हैं, ये ज़्यादा टिकता नहीं। जो मैंने वुडलैंड में किया था उसमें एक पीयू सोल वाला एक बूट था, उसमें जो सेल करता है जो सेल मैन, वो मुझे एडवाइस दिया जाए ये पीयू सोल है, ये शूज
ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, शू टिकेगा लेकिन शो नहीं टिकेगा। ये बोलकर वो वुडलैंड का जो शोरूम है वो ऐसे बोलकर वार्निंग देकर वो सेल करता है। उससे मुझे पता चला कि ये पीयू सोल बहुत ही घटिया सोल है। देखिए सारे आप सारे कंपनी का बूट यूज करते हैं, एक को छोड़कर, मैं वुडलैंड के बात नहीं करूंगा, मैं खादिम्स, बाटा, अजंता, लिबर्टी, इस शू मैंने सब कंपनी शू मैंने पहन कर देखा, उसमें सबसे अच्छा था आप अगर मुझे बोले तो वुडलैंड सबसे अच्छा। उसका दाम भी ज़्यादा है, उसका लेदर भी अच्छा है, उसका जो स्टिच है, जो इसका जो स्टिच है वो भी अच्छा है, और ये सोल है। और इस शू में सबसे डिसएडवांटेज है कि एक शू एक सोल, देखिए आप देख पा रहे हैं सोल, और दो है स्टिच, उसका जो स्टिच है स्टिच एकदम घटिया है। मैंने पहले जो एक वीडियो था उस वीडियो में आप देख पाएंगे जो उसका नीचे जो सोल है, मैंने मेरा जो थर्ड नंबर शू था, ये फोर्थ नंबर शू है, उसमें स्टिच बहुत ही खराब है, और इसमें जो ये देख पा रहे हैं इसमें कुछ स्टिच, स्टिच कहाँ से घटता है, इधर में घटता है, क्योंकि जब शू बैंड होता है इधर में बैंड होता है इसमें, और इसमें जब बैंड होता है तब क्या होता है, तब इसमें जो स्टिच होता है, इस सोल के साथ लेदर का स्टिच होता है वो डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, इसमें अलग होता है, इसमें जब अलग होता है सो इधर से लेकर एकदम इधर तक सब अलग हो जाएगा, और इधर से लिक्विड अंदर चला जाएगा। और एक डिसएडवांटेज है, आप जब इस नॉट को ऐसे तरह बांधेंगे, जब आप वॉक करेंगे कुछ देर बाद ही ऑटोमेटिक खुल जाएगा। ये सबसे ये जो नायलन टाइप है इस सबसे खराब है। और एक खराबी है इस शो का, ये जो नॉट है, ये जो थ्रेड है, ये शू नॉट ये जो ऊपर ऊपर वाला हिस्सा है, देखिए ये ऊपर वाला जो हिस्सा है ये खराब हो जाता है, जल्दी से जल्दी खराब हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो देख रहे हैं आप, मुझे लगता नहीं है आपको दिखाई देगा अच्छा से, क्योंकि ये कैमरा उतना अच्छा नहीं है। देखिए ये आप एक बार कोशिश कीजिए, ये नॉट मैंने स्टिच किया अपने हाथों से एक थ्रेड से, जो क्लोथ स्टिच करने वाला थ्रेड होता है, थ्रेड से मैंने स्टिच किया, क्योंकि ऊपर ऊपर वाला जो नायलॉन जो हिस्सा है वो हिस्सा टूट गया, और अंदर का जो कॉटन का हिस्सा है वायर जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर केबल होता है, उसके अंदर बाहर प्लास्टिक रहता है, अंदर कॉपर के वायर रहता है, इसमें भी कॉटन के वायर रहते हैं अंदर, और बाहर नायलॉन का एक कवर रहता है, वो टूट गया। ये तीन नंबर डिसएडवांटेज है। तो मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूँ इसकी क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहले तो है इसके सोल, ये बहुत ही घटिया है, ये एक साल भी नहीं टिक पाया। हम लोग तो आर्मी नहीं है और हम तो इंडस्ट्री में वर्क नहीं करते कि जैसे कि ऑयल के ऊपर से डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स के ऊपर से मैं ये सोल यूज कर रहा हूँ। मैं तो एकदम ऑफिस वर्क करता हूँ, रोड से जाता हूँ, ज़्यादा वर्क करने की दरकार नहीं होता। ये एक एडवांटेज डिसएडवांटेज है। दूसरे जो मैंने बताया इसका जो स्टिच है,
ये जो स्टिच है ये स्टिच बहुत ही घटिया स्टिच है, और थर्ड है ये जो नॉट है ये टाइट से नहीं टाइट नहीं होता। अब जो वर्क करेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। ये एकदम सच है, ये मेरा जो एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ ये इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि आप जब ये टाइप का शूज खरीदेंगे ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगा क्या अगर ये शू अच्छा है और या नहीं। सो बिफोर परचेस इट मस्ट वॉच दिस वीडियो सो इट कैन हेल्प यू। मेरा एडवाइस है तो आप ये शू मत खरीदें, दूसरे जो कंपनी है वो आप खरीद सकते हैं, इससे बेहतर आपको मिलेगा। ये था इस वीडियो में, इस लिबर्टी वॉरियर का जो शू है उसका डिसएडवांटेज। सो इस शू मत खरीदिए तो ही अच्छा है, क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले जो मैं शू खरीदा था वो 3 इयर्स चलता था, एकदम 3 इयर्स टाइम देखकर 3 इयर्स चलता था। अभी तो ये 1 साल भी नहीं टिक रहा है, क्योंकि अभी ये फेमस हो गया, दाम भी बहुत ज़्यादा है। दूसरे जो कंपनी है एंकोर जो है, एंकोर भी ये सेम टाइप का इंडस्ट्रियल शू टो प्रोटेक्शन करता है, उसका दाम 1100 है और इसका दाम 1600 है, दाम भी बहुत ज़्यादा है दूसरे जो कंपनी है उससे। क्योंकि ये क्या होता है, जब कोई ये नॉर्मल कैरेक्टर है, जो नॉर्मल जो फीचर है, जो पॉपुलर हो जाता है, क्योंकि उड़ी और अभी मार्केट में बहुत ही पॉपुलर शू है, तो पहले तो मेंटेन करता था क्वालिटी का, अभी ये मेंटेन नहीं कर रहा है। देखिए इसका जो मार्केट में ऑटोमेटिकली ये रेपुटेशन खराब हो रहा है। मैं शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है जो कंपनी का नाम बदनाम हो, जस्ट इट इज़ अ फीडबैक। ये फीडबैक देने के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया, और मैं दिखाना चाहता हूँ जो देखिए ये कंडीशन होता है, मैंने जो एक्सपीरियंस का मेरा साथ जो हुआ वही मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड चेक आउट सम ऑफ माय अदर्स प्रोडक्ट रिव्यू रिलेटेड वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टेक केयर।